जय माता रानी की। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ और कुशल होंगे। होलिका दहन की महारात्रि आने ही वाली है और चैत्र नवरात्रि भी आने वाली है। जो भी साधक हमारे मार्गदर्शन पर अप्सरा साधना करना चाहते हैं, चाहे वो होलिका दहन की महारात्रि में हो या फिर चैत्र नवरात्रि में हो, उनको हमारा पूर्ण मार्गदर्शन प्राप्त होगा। इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानकारी देना चाहते हैं कि हमने एक नया ग्रुप बनाया है, उसी ग्रुप में आप सभी लोग जुड़ करके और अप्सरा साधना को सिद्ध कर सकते हैं, संपन्न कर सकते हैं। इसके साथ ही जो साधक हमसे पहले से जुड़े हुए हैं, वो साधक आगे भी यदि अपनी साधनाओं को जारी रखना चाहते हैं तो इसी मार्गदर्शन पर वो अपनी साधनाओं को आगे बढ़ा सकते हैं। इसका कोई अतिरिक्त शुल्क उनको नहीं देना होगा, वो हमारे उसी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे। जब भी हम अपने मार्गदर्शन पर अप्सरा साधना करवाते हैं तो प्रायः साधकों से हमारी फ़ोन पर बात भी होती है तथा पूर्ण मार्गदर्शन, पूर्ण विधि विधान सहित जो भी जानकारी उन्हें चाहिए होती है वो हम उन्हें अवश्य ही प्रदान करते हैं। बस आप सभी से निवेदन यही रहेगा कि व्हाट्सएप के ग्रुप में कोई भी किसी को प्रत्युत्तर ना दें। जो भी प्रश्न आपका रहेगा उसका उत्तर हम स्वयं देंगे, क्योंकि आपस में कई प्रकार की बातें और तरह तरह के विचार अपने सबके होते हैं, तो आपस में किसी का मतभेद ना हो इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है, अन्यथा उनको ग्रुप से बाहर किया जा सकता है। दूसरी बात, एक बात और ध्यान रखें, जब भी आपके कोई प्रश्न होते हैं तो आपके प्रश्नों को बड़ी गंभीरता से देखा और सुना जाता है तथा उन्हीं को प्रत्युत्तर दिया जाता है, जिनके विचारों में किसी प्रकार का दोष नहीं होता है और जिनके आचार विचार हमेशा ही अच्छे होते हैं। क्योंकि कई साधक सिर्फ परीक्षा इत्यादि लेने के उद्देश्य से ही प्रश्न को किया करते हैं, क्योंकि वो यहाँ वहाँ की जानकारी लेकर के, आधी अधूरी जानकारी लेकर के भी हमारे पास मैसेज किया करते हैं। तो कृपया करके इस प्रकार के मैसेज हमें ना करें, क्योंकि इससे कई महत्वपूर्ण साधकों का भी नुकसान होता है और इसके साथ साथ ही जो यह समय होता है यह अमूल्य होता है और इसका भी नुकसान ही होता है। एक बार पुनः माता रानी से प्रार्थना करते हुए हम ये मंगल कामना करते हैं कि आप सभी का जीवन मंगलमय हो और आपकी जो भी साधनाएँ हैं वह सफल हों। जय माता रानी।